हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। जैसे कि मेरे थंबनेल से ही आपको पता ही चल गया होगा वीडियो के टाइटल से कि किस तरह का है, तो मैं आज ये प्रोडक्ट लाई हूँ, फेयर एंड लवली। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ मुझे एक चीज़ और लगती है कि इसकी पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप लोग इसको यूज़ करना है या यूज़ करने का सोच रहे हैं तो उस ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है ये क्रीम यूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बने रहिएगा मेरी वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए बात करते हैं फेयर लवली की। इस एडवांस मल्टीविटामिन क्रीम की हाई डेफिनेशन ग्लो इस पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं हाई डेफिनेशन ग्लो इस पे लिखा हुआ है। उसके साथ ही साथ इसमें एक और है कि ये कैरियर फाउंडेशन की तरफ से है। और इसमें इस एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो क्रीम है इसका कुछ हिस्सा जाता है स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पर मेंशन है स्कॉलरशिप के लिए, कैरियर गाइडेंस ये लोग देते हैं, एजुकेशन एंड स्किलिंग के लिए है। इनकी वेबसाइट भी यहाँ पर लिखी हुई है कि जब हम इसको परचेज करते हैं तो इसका कुछ हिस्सा जाता है उन बच्चों के लिए जो उनके गर्ल चाइल्ड के लिए जो अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है फेयर एंड लवली। और फेयर एंड लवली ने काफी सारी वैरायटीज निकाली हुई हैं। पहले इसका जो क्रीम आता था वो नॉर्मल वाला क्रीम आता था, लेकिन वो फेयरनेस क्रीम आता था। तो ये पहली चीज है, ये फेयरनेस क्रीम नहीं है, ये एचडी ग्लो है, यानी आपको इंस्टेंट ग्लो के लिए ये क्रीम बनाई गई है। तो आप इसको रेगुलर यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज और ये आपके स्किन को एकदम इंस्टेंटली ग्लो कर देती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बीबी क्रीम, सीसी क्रीम सूट नहीं होती है या उनको लगाना डेली में अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग इससे अपना डेली मेकअप करते हैं। और मेरी मदर भी इसको काफी सालों से यूज कर रही है और उनको वो बहुत पसंद है। और इसके साथ ही साथ ये कोई ऐसा नहीं करता है कि बहुत पैची कर देता है या चिपचिपा है या कुछ इस तरीके का है। ये क्रीम वाकई बहुत अच्छी है। मैंने भी अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि फेयर लवली करियर फाउंडेशन हेल्प्स यू बाय ब्रिंगिंग वर्ल्ड क्लास कॉलेज कोर्सेज, स्किलिंग प्रोग्राम, स्कॉलरशिप राइटेड फिगर डिप्स, इसमें लिखा हुआ है कि ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें है वाटर, है फैटिक एसिड है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसमें पैराबिन भी है। अगर आप लोगों को पैराबिन से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्रीम बहुत अच्छी है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको इस तरीके की चीजें, कोई भी इसका नेगेटिव चीजें बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि अगर ये इतनी खराब होती तो इतनी फेमस होती। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें आप यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एक डेमो जरूर दूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इसको फेस पर अप्लाई नहीं कर सकती या नहीं करती हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो इस तरीके का है, ये वाइट है। और इसकी एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि ये मॉइस्चराइज भी करती है। जो पहली क्रीम होती थी बहुत ड्राई कर देती थी, लेकिन ये मॉइस्चराइज भी करती है आपकी स्किन को। और अगर आपको बहुत ही हल्का फुल्का कोई मेकअप करना है डेली यूज के लिए, या आपको कहीं बाजार में या कोई अपने बच्चे के कॉलेज में, स्कूल में, किसी फंक्शन में जाना है, तो हल्का फुल्का सा अगर आप नहीं चाहते कि फाउंडेशन लगाना, बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाने की, देखिए इंस्टेंट ग्लो आपको मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, अंतर देख रहे हैं ना। तो ये जो क्रीम है ये आपको इंस्टेंट ग्लो देगी। अगर मैं आपको इसको फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, आपको एक साइड में अप्लाई करके दिखाऊंगी और आप उसमें दूसरी तरफ अंतर देखिएगा। मैं इसको केवल हाफ चेहरे पे ही आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, जिससे आप इसमें अंतर देख पाए कि दूसरी साइड क्या अंतर है। और ये क्रीम मॉइस्चराइज भी करती है। पहले जो फेयर लवली की क्रीम आती थी थोड़ी ड्राई होती थी, लेकिन वो ऐसे नहीं थी। अब आप देखिए इधर और मेरे इस चेहरे में अंतर। तो ये आपको इंस्टेंट ग्लो भी देगी और आप इसको लाइट मेकअप की तरह यूज भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करती हूँ तो ये है
52 रुपीज इस पर है जो रेट है, बट आपको ये लगभग 50-48 के लगभग मिल जाएगी। मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज की है तो मुझे ये 50 रुपीज की मिली है। और इसमें मल्टी विटामिन भी हैं तो जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए आपको इंस्टेंट ग्लो आपको दिखाई देगा। तो ये जो क्रीम है 50 रुपीज की आपको मिल जाएगी और काफी सही क्रीम है। अगर आप इसको डेली वेयर में यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी क्रीम मुझे लगी है। बस हल्का सा ना मुझे इसकी स्मेल उस तरीके की है जैसे वो ट्रेडिशनल क्रीम्स होती थी बचपन में, हमारी मदर हमारे लगाती थी, तो वो वाली मुझे स्मेल लगी है। तो अदरवाइज नेवरदिलेस अगर हम इसकी ऑल टोटैलिटी की बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम मुझे लगी है। तो अगर आप करना चाहते हैं इसको यूज तो मेरा ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि ये क्रीम सच में अच्छी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी और भी है एक मतलब विंटर्स के लिए भी क्रीम है, एक आयुर्वेदिक क्रीम भी है, मैं बाद में उसका भी रिव्यू डालूंगी। और ये तीनों क्रीम ही बहुत ज्यादा बिकने वाली क्रीम है, काफी अच्छा मार्केट इनका है। और यामिनी गौतम इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, काफी सालों से वो इसका एड कर रही है और मुझे काफी सही वाली क्रीम लगी है। अगर आपको ये क्रीम यूज करना चाह रहे हैं यूज करना तो इसको आप डेली बेस में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों को पैराबेन से प्रॉब्लम है तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप लोग कभी भी इस तरीके की चीजें मानते हैं कि आपको कोई भी मतलब फाउंडेशन या बीबी क्रीम सीसी क्रीम नहीं यूज करनी है तो आप डेली के लिए इसको लगाकर और हल्का सा कॉम्पैक्ट आप इसके ऊपर लगा लीजिए, आपका सफिशियंट है। अगर बहुत ज्यादा आपकी ड्राई स्किन है तो आपको उसके पहले मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए अपनी स्किन को। और मैं तो आपको ये कहूँ कोई भी ऐसी फेयरनेस क्रीम है, कोई भी इस तरीके की क्रीम है आप लगा रहे हैं बीबी क्रीम सीसी क्रीम, उससे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करें। उससे आपके जो मेकअप होता है वो बहुत अच्छे से उभर कर आता है। तो ये क्रीम आप लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये जो वीडियो है आपको लगा हेल्पफुल तो मेरी वीडियो कीजिएगा लाइक और शेयर और मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय।